हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दी चैनल। एंड आज मैं आपको द बॉल पोएम एक्सप्लेन करूँगी। सो ये जो बॉल पोएम है, इसमें एक बच्चा है जिसकी बॉल खो जाती है। अब बॉल इज़ अ वेरी चीप थिंग, ओके, बहुत आसानी से इसको खरीदा जा सकता है, इट इज़ नॉट एट ऑल वेरी एक्सपेंसिव। बट इस बच्चे के लिए एक न्यू बॉल खरीदना कोई सोल्यूशन नहीं है इसकी प्रॉब्लम का, क्योंकि इस बच्चे की जो बॉल खोई है उसके साथ इसकी बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। सो देर आर सम पीपल ऑल्सो जिनके साथ हमारी बहुत सारी मेमोरीज होती हैं, जिनको खरीदा नहीं जा सकता, जिनको एक बार अगर वो हमसे दूर हो गई तो पैसों से उसका लेना या देना नहीं किया जा सकता। सो मनी इज़ एक्सटर्नल थिंग, देर आर सम फीलिंग्स, देर आर सम पीपल, देर आर सम पोजिशंस which if get lost it can't be again, we can't get them again, and they even cannot be just you know removed by purchasing them, okay। तो वो कुछ ऐसे हमारे feelings हैं, कुछ हमारे ऐसे लोग हैं जिनसे हम बहुत closely attached हैं, और उनको खो देना हमारे लिए बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा हमारा एक loss है, और उस loss को with the help of money हम नहीं दूर कर सकते हैं। तो बॉल वैसे एक बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन इस पोएम में ये बताया गया है कि लाइक अ बॉल, एक पर्सन, एक ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उससे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, और अगर वो उस पर्सन के लिए खो जाती हैं तो फिर वो पर्सन उनको पैसों से या किसी दूसरी चीज़ से नहीं ले सकता, ओके। सो वो जो लोग हैं जो हमारे एक बार लाइफ से चले जाते हैं वो हम फिर से नहीं ला सकते हैं, लेकिन हमें इतना करेज होना चाहिए कि हम जो लॉस हुआ है उसको एक्सेप्ट करें और अपनी लाइफ को आगे मूव ऑन करें, उस दुख को कोप अप करके हम आगे बढ़ें, ठीक है। व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल? तो अब वो जो बच्चा है उसका पूरा बताएंगे क्या अभी उसका फीलिंग चल रहा है जिसने अपनी बॉल को खो दिया है। व्हाट इज़ ही टू डू? आई सॉ इट गो, तो मैंने देखा था उस बच्चे की बॉल कैसे गिर रही थी पानी में। मेरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, तो कूदती कूदती वो जो बॉल है पानी में जा गिरी, एंड देन मेरिली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर, तो कूदती कूदती वो स्ट्रीट से नीचे गई, फिर वो कूदती कूदती एक जंप मार के पानी में चली गई। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, अगर मैं उसे कहूँगा कि और भी बॉल्स हैं और ले आऊँगा तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि आज उसकी बॉल ही खोई है, कल को उसकी फैमिली का कोई मेम्बर जा सकता है, कल उसका कोई फैमिली का सदस्य से दूर हो सकता है जिसको फिर से नहीं लाया जा सकता। तो मनी को हटा करके देर आर सम थिंग्स जो कि नहीं ली जा सकती हैं, मनी की हेल्प से भी नहीं ली जा सकती हैं। सो एन अल्टीमेट चीकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, उस बच्चे में बहुत ही बड़ा सा जो दुख है वो उसमें आ जाता है। एज ही स्टैंड्स रिजिड, अब वो एक रिजिड खड़ा हुआ है, ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज टॉल हिज बॉल वेंट, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। अब क्या होता है, वो रिजिड सा खड़ा हुआ है, शेक कर रहा है अपना बॉडी, यानी उसकी कांप रही है बॉडी, स्टीयरिंग डाउन, वो नीचे देख रहे हैं जहाँ पे उसकी बॉल गिरी है, और सारे उसके जो यंग डेज हैं उस बॉल के साथ वो याद आते हैं उसे जो कि पानी में मिल गए हैं। हिज बॉल वेंट, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, अब मैं वहाँ पे जाके बीच में हड्डी नहीं बनूंगा, अभी उसके इमोशंस जो हैं बहुत स्ट्रांग हैं, अभी अगर मैं उसको बहला फुसला दूंगा तो उसको रियलाइज़ नहीं होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पोजिशन, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो आज उसके पास जो कुछ भी है उसको संभाल के रखूं, जिससे कि कल को जो मेरे पास चीज़ें अगर दूर हो जाए तो मुझे अफसोस ना हो कि मैंने उनको ढंग से नहीं रखा। हिज बॉल वेंट, आई वुड नॉट इंक्लूड ऑन हिम, अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस, तो अगर वो कहेगा कि ये तो बॉल है मैं दूसरी दे दूंगा तो ये कहना वर्थलेस है, वेस्ट है, क्योंकि अगर आज उसको रियलाइज़ नहीं होगा अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी सेंस ऑफ इसकी पहली फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको रियलाइज़ हुई है इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजिशंस जहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं, इस मोह माया के जीवन में हमारी बहुत सी चीज़ें हैं जो आएंगी जाएंगी, तो
कई चीज़ें हैं जिनको हम फिर से नहीं ले सकते हैं, फिर नहीं खरीद सकते हैं, जो पैसों से नहीं ली जा सकती हैं। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल लॉस्ट ऑलवेज, कुछ चीज़ें आएंगी, कुछ चीज़ें चली जाएंगी, लिटिल बॉय, एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, जो एक बार चला गया उसको कोई फिर नहीं ला के दे सकता, मनी इज एक्सटर्नल, मनी भी नहीं ला के दे सकता, मनी कुछ नहीं कर सकता। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज, आज वो खुद अपनी आँखों से सीख रहा है, लर्न कर रहा है कि क्या होता है किसी चीज़ को खो देने का दुख। द एपिस्टमोलॉजी यानी कि लर्निंग, एपिस्टमोलॉजी होता है सीखना, लर्न करना, ठीक है। एपिस्टोलॉजी ऑफ लॉस यानी ये जानना कि इस दुनिया में चीज़ें आती हैं और खो जाती हैं, नॉलेज ऑफ लॉस हो रहा है, और जिसको उसको पता चल रहा है कि क्या होता है किसी चीज़ को खो देने का गम। हाउ टू स्टैंड अप, लेकिन लेकिन पोएट कहते हैं कि आज उसको ये दुख हुआ है, लेकिन वो उस दुख के साथ ही नहीं जिएगा, फिर वो खड़ा होगा। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, हर किसी व्यक्ति को एक दिन ये पता चलना चाहिए, एंड मोस्ट नो मैनी डेज, कई लोगों को ये समय पे पता चल जाता है कि किस तरह से चीज़ अगर आपकी कोई खो जाती है, कोई मनुष्य कुछ भी अगर एक बार आपके हाथ से छूट जाता है, तो फिर आपको दुख नहीं बनाते रहना है, आपको फिर खड़े होना है और अपनी लाइफ को आगे परस्यू करना है। दिस इज़ द ब्यूटिफुल पोएम, थैंक यू, बाय बाय।